आप सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधित एक प्रश्न है, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है, कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कह रहा है कि 7.5 रुपया, 7.50 रुपया एक वर्ग मीटर, मीटर का मतलब क्या होता है, एक वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवार और छत का पेंट कराने का व्यय क्या होगा, कितना रुपया खर्च हो जाएगा। मान लीजिए एक कमरा है, कह रहा है कमरा कितनी दीवार होगी, एक कमरे की कितनी दीवार हो जाएंगी, 4 दीवार हो जाएगी और छत, ठीक है। अब देखो भाऊ, अगर माल नीचे तो फर्श करा नहीं रहा है, कह रहा है कमरे की दीवारों और छत, छत का पेंट कराना है, और कह रहा है कि एक वर्ग मीटर जो है, अगर छत और दीवार मिला पेंट करवाते हैं, एक वर्ग मीटर दीवार का या छत का पैसा कितना लग रहा है, 7.50 रुपया। तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, यह निकालेंगे कितने वर्ग मीटर हमारा आयतन हो रहा है, ठीक है। तो निकालेंगे यहाँ पे कितना क्षेत्रफल हो रहा है इसका, सॉरी क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे। आप देखो कमरे की दीवार, कमरे की दीवार एवं छत, छत का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा, कमरे की दीवार एवं छत बात कर रहा है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये बताओ कि कमरे की दीवार और छत का ना पेंट करवा रहा है, फर्श का करवा नहीं रहा है, तो मान लेते हैं फर्श का एरिया कितना हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई क्या करेंगे हम, घटा देंगे ऐसा में। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई कितना दिया है, देखिए लंबाई दिया है 5 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया है। सारे वैल्यू रखो यहाँ पे, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई 5, चौड़ाई 4 प्लस 4 × 3 प्लस 3 × 5 माइनस 3 × 5 सॉरी लंबाई कितना है 5 है, 5 × चौड़ाई कितना है 4 हो गया। अब देखो 5 × 4 कितना हो गया 20, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, देखो 20 + 10 30 + 10 = 40 और 7 = 47 गुणे 2 − 20, 2 × 14 = 4 अच्छी लगा, 1 × 2 = 8 94 घटा दो 20 कितना बचेगा 74 बचेगा। इतना मीटर स्क्वायर क्या हो गया, दीवार का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसका 74 रुपया मीटर है, 74 वर्ग मीटर है आपका, और एक देखो दिया हुआ कि एक वर्ग मीटर पेंट कराने का खर्च बराबर कितना खर्च लग रहा है, 7.5 रुपया, कितना लग रहा है, 7.50 रुपया, इसलिए 74 मीटर पेंट कराने का खर्च बराबर गुणा करो 7.50 में गुणा करो 74 कितना हो रहा है, गुणा कर लीजिए 75 × 74 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, हंसी लगा 2 × 4 = 28, 2 = 30, 3 × 7 = 35, हंसी लगा 3 × 7 = 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, कितना आ गया 0555, कितना रहा है 5000, माने कि 5550 आ रहा ना, 5550 आ रहा है। यहाँ पे वो 0 पहले था वो लगा दो, पॉइंट कहाँ लगेगा, इतना आएगा, देखो उसने दिया है 5 × 55 रुपया जी सर। ऐसा में इस तरह से हम क्या करेंगे, कमरे का दीवार और छत का फर्श कराने का पैसा कितना हो गया, 555 रुपया।
ऐसा मैं कर लीजिए।